हाय फ्रेंड्स, वनकम। आज एक स्पेशल सब्जी बनने वाली है, बहुत इजी। मैं थोड़ा सा ली हूँ, 10 बीन्स ली हूँ। 2 कैरेट को मैंने ग्रेट करके रख चुकी हूँ यहाँ पे। इसे मैंने काट के पानी के अंदर डाल के सोक करने रख चुकी हूँ। और ये है एक टमाटर, और ये है राई, जीरा और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और यह दाल। ये टेस्ट अच्छा होता है इसके लिए। 2 स्पून के हिसाब से मैं लेके रखी हूँ खोबरा को, अच्छे से ग्रेट करके रख चुकी हूँ इसे भी। और चाहिए मिर्ची, मैंने 3 मिर्ची ली। इसके लिए मैं कोई भी मसाला ही नहीं यूज कर रही हूँ, सिर्फ मिर्ची ही इसके तिखाई है और कुछ भी नहीं। इसके लिए मैंने 3 मिर्ची और 1 आनियन और कड़ी पत्ता मैं ले चुकी हूँ। ओके, फट से बन जाती है और टेस्ट भी बहुत ही डिफरेंट है और टेस्ट भी अच्छा है। ओके, चलो बनाते फटाफट से। अभी आप देख रहे हैं मैंने एक कढ़ाई ले चुकी हूँ इसके अंदर। चलो मैं सभी गैस ऑन कर लेती हूँ। इसमें मैं 1-2 स्पून के हिसाब से मैंने इसमें ऑयल डाल चुकी हूँ। फट से बन जाती है इसके लिए। अभी तेल अच्छे से गर्म हो चुका है इसके लिए। राई डाल रही हूँ मैं, जीरा, ये छटक रहा है। उसके बाद इसके अंदर चने का डाल, जो मैंने रखी थी ना वो डाल दी। उसके बाद ये तो बहुत छटक रहा है इसके लिए, थोड़ा सा धीमे कर देती हूँ आपको। और इसके अंदर डाल रही हूँ मैं ऑनियन। ऑनियन डालूंगी, फट से ऑनियन डाल के उसके बाद इसके अंदर मिर्ची, और ये है करी पत्ता। तो मैंने दोनों भी इसके अंदर डाल चुकी हूँ। तो फट से बन जाता है इसके लिए और कुछ नहीं, और टेस्टी भी होती है। यहाँ पे हम लोग इसे वेजिटेबल्स को बहुत सारे मिक्स वेजिटेबल्स में बनाते हैं। हम लोग इसे बनाते हैं जब उंधियो, जो गुजराती इसके स्टाइल पे बनाते हैं उंधियो, उसमें कैसा एक एक सब्जी डाल सकता है और उसमें एक एक सब्जी नहीं डाल सकता है, वैसा हम लोग अवियल भी बनाते हैं। तो ये भी थोड़ा डिफरेंस वाला टेस्ट होता है, सांभर के साथ खाने में बहुत टेस्टी होता है। और इसमें आलू की मसियल बोलते हैं, आलू को हम अच्छे से पका कर उसे मसाला बना के खाते हैं, वो भी उसका भी टेस्ट अच्छा होता है। आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा मैं एक वीडियो बना देती हूँ और डाल देती हूँ। और मेरे वीडियो को देखने वाले प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन दबाइएगा और एक लाइक जरूर दीजिएगा। ओके, ये मैंने आपको थोड़ा सा धीमे कर चुकी थी, इसे फटाफट से ज्यादा कर लेती हूँ, फट से हो जाएगा इसके लिए। और एक मेन चीज है, मैं हमेशा भूल जाती हूँ और कुछ में लहसुन कूट के डालना। ओके, लहसुन बहुत अच्छा होता है। और मैं टोप में बनाती हूँ चावल वगैरह, मैं कुकर वगैरह में मैं चढ़ाती नहीं हूँ इसके लिए। और मैं लहसुन कूट के, मैंने 3 लहसुन ली हूँ, मैंने 3 लहसुन को अच्छे से कूट कर देखिएगा, मैं ऐसे डाल देती हूँ, अंदर जाते जाते पक जाए। आपको धीमे कर देती हूँ और इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। फास्ट रखती फटाफट से लेके तो जल्दी से हो जाए। ओके, और इसके अंदर डल रहा है टमाटर, मैंने 1 टमाटर कट करके रखी थी, हो जाएगा इसके अंदर। मेरे पास चीनी अगर मैं डालूंगी तो आपको आवाज भी आएगा इसके लिए। और इसके बाद मैंने 1 स्पून नमक इसके अंदर डाल दूंगी।
इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर भी पक जाएगा जल्दी से इसके लिए। धीमे कर लेती हूँ आग को, और जो मैंने बीन्स रखा है यहाँ पे, अगर आप पका के से डालेंगे तो उसका टेस्ट थोड़ा अलग आएगा। मैं बिना पका के ऐसे ही डाल रही हूँ। जब एक एक सब्जी एक एक ट्राई पे बनाते हैं तो उसके हिसाब से मैं बनाती हूँ। सॉरी यार, आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने जो पीस वगैरह था सब्जी को मैं अंदर डाल अच्छे से पकने के लिए, क्योंकि कैरेट वगैरह जल्दी पक जाता है मगर ये थोड़ा सा पकने के लिए टाइम लगता है इसके लिए। ओके, अभी देखिएगा, अभी इसके अंदर थोड़ा सा हल्दी का जो पाउडर था वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, डाल चुकी हूँ मैं अभी। मैंने एक पिंच के हिसाब से ही लिया था, बहुत नहीं। अगर आप चाहिए तो इसे ढक के भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है, ढक के भी आप रख के इसे बना सकते हैं, जल्दी हो जाएगा। मैं आपको दिखाने के लिए ऐसा रखती है। ढक्कन ले चुकी हूँ, देखिए फट से हो जाएगा। दो मिनट के लिए वेट करते हैं। अभी आप देख सकते हैं सब्जी को अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करके मैं छोड़ दूंगी, इसे मिक्स कर देती हूँ। इसके बाद जो मैंने दो कैरेट को मैंने एक करके ग्रिल करके रखा था वो भी इसके अंदर मैं डालूंगी। पानी मत डालिएगा, पानी डालेंगे तो उसका टेस्ट, अगर पानी डालना चाहते तो आधा ग्लास के हिसाब से पानी डालिएगा, बहुत नहीं, क्योंकि सब्जी फिर अच्छे से पक जाएगी तो उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इसके लिए पकना भी चाहिए, इसके लिए ढक कर रखकर आप पकाएंगे तो टेस्ट और भी अच्छा रहेगा, उसका स्मेल भी बहुत अच्छा रहेगा। आप देख सकते हैं मैं बना रही हूँ, ये देखिए। लास्ट में मैं डालूंगी नारियल, तो इसके लिए मैं अभी नहीं डालूंगी, तो इसे भी मैं ऐसे ही सिम में रखे, मैंने इसे ढक के रखा है तो जल्दी से पक जाएगा इसके लिए। तो देखिए मैंने कैरेट भी अंदर डाल चुकी थी, कैरेट जल्दी से पक गया था आपको पता होगा। तो लहसुन का स्मेल वगैरह बहुत अच्छा है, और इससे भी नमक आप देख के इसके हिसाब से आप नमक डाल लीजिएगा। मेरे लिए नमक बराबर है। अभी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ दो स्पून के हिसाब से नारियल। नारियल डालने के बाद बहुत टाइम आप इसे कुक मत कीजिएगा। कलरफुल है, बच्चे लोग इसे छाव से खाते हैं। अगर आप बच्चे लोग के दे रहे तो मिर्ची वगैरह बहुत कम डालिएगा। अगर बच्चे लोग आपके बच्चे तीखा खाते हैं तो नो प्रॉब्लम, मिर्ची से निकाल दीजिएगा और इन्हें सर्व कीजिएगा, बहुत टेस्टी होता है। चपाती के अंदर रोल भी करके आप दे सकते हैं, और ब्रेड सैंडविच के हिसाब से भी आप दे सकते हैं। तो क्रिएटिविटी अपने हाथ में है, कैसा भी रहेगा तो हम इसे बना सकते हैं। ये देखिए और हो गया। कैसे गैस बंद कर चुकी हूँ, बस अभी मैं आपको सर्व करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मेरा जो खाना है दोपहर का वो मैंने क्या बनाई हूँ करके, इसे हम लोग अपलम बोलते हैं, पापड़, और ये है वड़ाघम, और ये है राइस, और मैंने एक सब्जी बनाई है अचार,
और दही और सांभार और चाट्स, ये है आज का मेनू। एक बार आप ऐसा वाला एक सांभार वगैरह आप खा के, ऐसा वाला सब्जी बना के खा के देखिएगा, बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी होता है। तो ट्राई करके मुझे कमेंट में बताइएगा कैसा था करके। ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।